हेलो गाइस, मैं उज्ज्वल। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, ऐश ऑल ग्राउंड टाइप पोकेमोन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने ऐश के सारे ग्राउंड टाइप के पोकेमोन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उन सबको रैंक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐश ने टोटल 6 ग्राउंड टाइप के पोकेमोन कैच किए हैं, 6 ग्राउंड टाइप। तो मैं 6 तक ही रैंकिंग करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 पे मैं रखूँगा डॉल्फिन को, क्योंकि सीरीज़ में मैंने ज़्यादातर डॉल्फिन को देखा ही नहीं है। मतलब डॉल्फिन को सीरीज़ में ज़्यादा दिखाया नहीं गया और वो बहुत कमज़ोर है, उसके पास ज़्यादा अटैक्स भी नहीं है, इसलिए मैं उसे 6 पे रखूँगा। उसके बाद मैं 5 पे रखूँगा पालपिटोड को, क्योंकि डॉल्फिन से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है पालपिटोड, क्योंकि उसने मैच भी बहुत सारी लड़ी है और टाई किया है। जीता तो मेरे ख्याल से कोई एक भी मैच नहीं है पालपिटोड, लेकिन उसने टाई ज़रूर की है मैच, इसलिए मैंने उसे 5 पे रखा है। 4 पे मैं रखूँगा टॉर्टेरा को, क्योंकि टर्टविक के फॉर्म में जब टॉर्टेरा था तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो जैसे जैसे इवॉल्व होता गया वो बहुत वीक होता गया, और वो बहुत वीक हो गया उस टॉर्टेरा में इवॉल्व होने के बाद, वो हर मैच हारता गया, इसलिए मैंने उसे 4 पे रखा है। तब भी वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने उसे 4 पे रखा है। 3 पे मैं रखूँगा गिबल को, क्योंकि गिबल एक ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप है, और प्लस गिबल को बहुत पावरफुल मूव्स आते हैं, और उसने बहुत अच्छी तरह से मैचेस लड़ी है, और वो उसे सीरीज़ में ज़्यादा दिखाया भी गया है, इसलिए मैंने उसे 3 पे रखा है। और 2 पे मैं रखूँगा क्रोकोडाइल को, क्योंकि क्रोकोडाइल यूनोवा ऐश का यूनोवा का सबसे बेस्ट पोकेमोन अगर कोई कहेगा तो सिर्फ क्रोकोडाइल का ही नाम आएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल ही था जिसने ऐश को लीग में आधे से ज़्यादा मैचेस जिताई थी, या फिर बैजेस कह सकते हैं। उसके बाद मैं 1 पे रखूँगा ग्लाइस्कोर को। यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि क्रोकोडाइल को 1 पे होना चाहिए, ग्लाइस्कोर को क्यों 1 पे रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइस्कोर आपने जब सीरीज़ देखी होगी तो टोबायस और जब ऐश ये टोबायस नहीं पॉल और ऐश के बीच जब बैटल हो रही थी तो ग्लाइस्कोर ने पॉल के 3 पोकेमोन को हरा दिया था, और उसके बाद क्रोकोडाइल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ग्लाइस्कोर जितना नहीं। ग्लाइस्कोर के पास बहुत पावरफुल मूव्स भी हैं और वो बहुत पावरफुल भी है, इसलिए मैंने उसे 1 पे रखा है। तो ये थी मेरी रैंकिंग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा ग्राउंड टाइप पोकेमोन आपको अच्छा लगता है ऐश का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन बेल आइकन, क्लिक ऑन ऑल टू गेट माई वीडियोज़ नोटिफिकेशन फर्स्ट। थैंक यू।